Hey, what's up guys, welcome back to the channel. मैं हूँ गर्व और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गर्व्स लाइफ। तो भाई आज है संडे और आज है अपने RTR 310 की फर्स्ट सर्विस। तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ आज बिकॉज ऐसी मतलब बाकी भी बाइक्स थी मेरे पास, उनकी सर्विस कराने में इतना एक्साइटेड नहीं था जितना कि इस बाइक के लिए हूँ। बिकॉज भाई इसमें आज मोड्स खुलने वाले सारे, अभी तो यू नो अर्बन मोड पर चल रही थी बट अभी सारे मोड्स इसके खुल जाएंगे आज सर्विस के बाद। तो फिलहाल भाई सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर TVS के, जो कि मेरे घर के पास ही है, हार्डली 5-10 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पे जाएंगे और आज अपनी सर्विस करवाएंगे और मैंने कुछ इसके लिए एक्सेसरीज भी मंगवाई हुई है। तो पहले सर्विस करवाया हूँ, फिर उसके बाद अपन यहाँ पे आके इंस्टॉल करेंगे। बाकी फ़िलहाल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ बिकॉज़ वो चीज़ वहीं पे होगी इंस्टॉल, मैं खुद नहीं कर पाऊँगा तो साथ में लेके जाऊँगा इसको। तो अपन ने मंगवाया है सिमटेक का हज़ार फ्लैशर, तो वो वहाँ पे जाके अपन उसको इंस्टॉल करवाएंगे वहीं से। तो फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा मंगवाया है, देखते हैं लगता भी है कि नहीं। तो भाई ये खड़ी है अपनी RTR और देखो कितनी हालत ख़राब हो चुकी है इसकी, काफ़ी गंदी हो चुकी है। तो काफ़ी टाइम से मैंने चलाई नहीं है, जैसे कि आपको पता ही, मैं उज्जैन गया था महाकाल जी के दर्शन करने, तो उसके बाद से आके मतलब 10 दिन ही हो गए ऐसी खड़ी है भाई। मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा बिकॉज़ अभी आपको दिखाता हूँ मैं कितनी चल चुकी है अपनी RTR। तो पहले इसको ऑन करते हैं और अभी यहाँ पे आ जाएगा आपको कि टोटल कितनी चल चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई 1327 किलोमीटर चल चुकी है अपनी पूरी RTR और इसकी सर्विस ड्यू थी 1000 किलोमीटर पे, बट क्या करें टाइम ही नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदी हुई पड़ी है। और भाई ये है अपना सिमटेक का हज़ार फ्लैशर जो कि मैंने मंगवाया है सिमटेक वालों से ही। तो कुछ इस तरह का आता है ये, लाइक ये देखिए, और देखते हैं कैसे इंस्टॉलेशन होगी इसकी, क्योंकि बिकॉज मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि जब आपने इसके लिए मंगवाया था हिमालयन के लिए तो उसमें तो इजी था, जस्ट प्लग इन प्ले करो, यहीं पे हैंडल के पास ही इसकी स्विचेस थे। बट जैसे कि आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे है इसके क्लैंप्स जहाँ पे ये लगेगा, क्योंकि मैंने किसी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, एक्चुअली किसी ने अभी तक बनाई नहीं है इसके ऊपर लगाने की, बट अपन बनाएंगे ताकि अगर आपको लगाना है तो आपको आइडिया हो जाए ये कैसे लगेगा। तो भाई ये कुछ क्लैंप्स हैं इसके अंदर, ये मॉड्यूल सेट होगा। भाई अपन पहुंच चुके हैं TVS के सर्विस सेंटर और अपनी बाइक जा रही है अब सर्विस के लिए। तो अभी देखते हैं क्या क्या काम होंगे इसके, तो सारी डिटेल आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर और देखते हैं अपने बाइक का हाल चाल। तो भाई अपनी गाड़ी चढ़ चुकी है रैम पे और तैयारी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले जो नीचे इसका फेंडर है वो खुलेगा ताकि अच्छे से ऑयल ड्रेन कर सके ये नीचे से। तो अभी नीचे से नट खोल रहे हैं तो वो खुल जाएगा तो फिर ये फेंडर बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद ऑयल फ्लश करेंगे सारा। तो भाई अभी यहाँ पर हो रही है इसकी चेन टाइट, तो पूरा चेक कर रहे हैं चेन को, तो अभी क्लीन भी होगी तो पहले चेन टाइट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह होगी, वॉशिंग जब करेंगे। तो अभी तो फिलहाल चेन को टाइट कर रहे हैं और काफ़ी ढीली हो चुकी थी बिकॉज आपको पता ही है 950 किलोमीटर चली। भाई अभी यहाँ पे चेक हो रहा है अपना गियर लीवर कि गियर लीवर का मेजरमेंट कितना होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा गियर लीवर ज़्यादा नीचे है तो इसको हल्का सा ऊपर होना चाहिए, तो अभी ये भी सेट हो जाएगा सारा। इस तरह से पता चलता है आपके गियर लीवर की सेटिंग कितनी है, जैसे कि यहाँ पे -37 आ रहा है तो 19 रहना चाहिए ताकि गियर डालने में प्रॉब्लम ना आए। और क्योंकि वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं गियर वगैरह डालता था तो मेरा पाँव काफ़ी अटता था, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पूरा ऑयल ड्रेन हो रहा है इसका, और आप देख सकते हैं इसका ऑयल बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और ठीक है, थिकनेस अभी भी है काफ़ी अच्छी। तो भाई अब ये ऑयल फिल्टर खुलेगा, तो भाई अब खुलने लगा है इसका ऑयल फिल्टर।
तो भाई अभी डलने लगा है इसमें मोटल का, जो कि 15W50 है। तो ये वाला अपन डालेंगे। तो सबसे पहले ये डल रहा है फिल्टर के अंदर। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला डब्बा है अपना मोटल का। तो आप देख सकते हैं 15W50। तो ये जा रहा है अपनी बाइक के अंदर। भाई जो ये इंजन ऑयल डाल रहे हैं, वैसे तो इनके पास ऑप्शन TVS का खुद का ऑयल भी था, बट अपन ने इन्होंने मतलब ऑप्शन दे दिया था कि अगर आप मोटल का भी डलवाना चाहते हो तो मोटल का भी डलवा सकते हो। तो अपन ने डिसाइड करा कि मोटल का ही डलवाते हैं। तो बिकॉज़ यू नो मोटल की परफॉर्मेंस आपको पता ही ऑलरेडी। तो फिर अभी इसमें जा रहा है मोटल का इंजन ऑयल फुली सिंथेटिक, जो कि 15W50। तो अभी ऑयल डालने के बाद इसकी कैसी परफॉर्मेंस आएगी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो भाई अभी यहाँ पे अपना मोड खोलने का काम चल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक डिवाइस लगी हुई है और यहाँ पे भैया अपना पूरा टैब में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है बाइक की। तो भाई फ्लैशर का तो कोई हल नहीं हुआ और अपन को बाहर से लगवाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इनको पता नहीं चल रहा कि कैसे इंस्टॉल करना है। या तो ये गलत आ गया है या फिर यहाँ पे पता नहीं चल रहा कैसे लगाना है। तो देखते हैं, इसको करते हैं दोबारा से पैक और बाहर से लगवाएंगे अपन। तो भाई अपनी RTR की सर्विस पूरी हो चुकी है और अब अपन आ चुके हैं घर पे। तो अभी मैं आपको बिल दिखाता हूँ कितने का बना है। ऑयल फिल्टर, ये दो चीज़ें डली हैं और इसका कितना बिल है वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। और इसके जो भी मोड्स हैं वो सारे खुल गए हैं। फ़र्क लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा, अभी थोड़ा आइडिया नहीं है, बिकॉज इसका जो नॉर्मल मोड है अर्बन मोड पहले मैं उस पर चला रहा था, अब इसके बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, ट्रैक है, रेन है, ये सारे खुल गए हैं। हाँ थोड़ा बहुत तो मुझे फ़र्क लगा है, थोड़ी स्टेबल होकर चलती है अगर अपन स्पोर्ट्स मोड में डालें या फिर ट्रैक मोड में डालें। तो गियर अगर बड़ा भी हो तब भी मतलब झटके नहीं मारती अगर अपन ये वाले मोड्स में चलाते हैं। बट जैसे कि मैं अर्बन मोड में चला रहा था तो तीसरे गियर में भी थोड़े से झटके मारने लग जाती थी ये, ताकि गियर छोटा डालने के लिए मांगती थी। तो अब ऐसा फील नहीं हो रहा। ठीक है, पावर है, थोड़ी सी बड़ी है, फील हो रहा है। बाकी मैं लॉन्ग रूट पे चलाऊंगा तो ज़्यादा आइडिया होगा मुझे। तो फटाफट से आपको बिल दिखाते हैं कितने का बना है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं अपना बिल बना है 1648 रुपये में, जिसमें आपका ऑयल भी आ चुका है और एयर जो ऑयल फिल्टर है वो भी इसमें इंक्लूड होके 1648 रुपये का बिल बना है। तो काफ़ी मतलब जायज़ है, 1648 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया, ये तो अभी रेन मोड पे लगा हुआ है और इसका आप मोड देख सकते हैं। और बाकी मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ और जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपका TFT की जो स्क्रीन है वो भी चेंज होती जाएगी। ये अभी रेन मोड है। अभी सबसे पहले मैं आपको अर्बन दिखाता हूँ। जो अर्बन मोड है इसका वो इस तरह का कुछ डिस्प्ले है। और अब अपन चलते हैं अपना रेन का, तो आपने देख ही लिया। अब अपन चलते हैं स्पोर्ट्स मोड पे। तो ये आ गया यहाँ पे स्पोर्ट्स, और इसका जो स्पोर्ट्स मोड की देख सकते हैं आप कितना बढ़िया TFT है, रात को मस्त लगने वाला है भाई, और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। और उसके बाद आता है अपना ट्रैक मोड। तो भाई ये कुछ ट्रैक मोड है, रेड हो जाता है यहाँ पे। और अगर अपन पीछे जाते हैं तो ये भाई इसका ट्रैक मोड का मीटर का TFT का कंसोल है। और लास्ट मोड जो है इसका वो है अपना सुपर मोटो। तो इसका देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक हो गया है सुपर मोटो, और सुपर मोटो का भी लगभग यू नो यहाँ से थोड़ी पहाड़ियाँ आ गई है। और सुपर मोटो पे ये है कि आपका रियर का जो ABS है वो ऑफ हो जाएगा, बाकी इसको चला के पता चलेगा कि क्या सिस्टम है इसका। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और बात करनी है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बाकी फ़िलहाल गाड़ी में एक नंबर है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया भाई। जैसे कि आपने देखा ही होगा मैं उज्जैन गया था महाकाल जी के दर्शन करने, तो भाई इसी पर गया था। सोचा था कि इसको लेते ही सीधा अपन चलेंगे उज्जैन, तो वो अभी अपन ने राइड कर चुके हैं। तो फिलहाल
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन ने एसेसरीज मंगवाई है इसकी, वो अपन इंस्टॉल करेंगे और आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे कि क्या क्या अपन ने इसके ऊपर लगवाया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।